इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी हो गया है। बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जनपदों में मतदान शुरू हो गया है। 246 मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान। जनपद बरेली में कुल मतदाता 24,246 है। बदायूं में 14,748 मतदाता है। वहीं बात अगर शाहजहांपुर की करें तो यहां पर भी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। बता दें यहां पर 13,320 मतदाता है। बात पीलीभीत की अगर करें तो यहां पर 8,827 मतदाता है। और बात अगर रामपुर की करें तो 12,248 मतदाता यहां पर भी है। तो चुनाव जो है, चुनाव के मतदान शुरू हो गए हैं। सारे मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अमरोह में 22,777 वोटर्स, वहीं बिजनौर में 30,649 कुल मतदाता है। और ये जो है शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेंगे। सुबह 8 बजे से ही मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक मतदान जो है हो सकेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 9 जनपदों में मतदान है और 246 मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां एमएलसी के चुनाव जो है मतदान जारी हो चुका है। 8 बजे से ही मतदान का सिलसिला जारी है। इसी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी हो चुके हैं, अभी क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है? इसमें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक एमएलसी के चुनाव के लिए 9 जिलों में 245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,72,297 वोटर आज मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए और अब तक कितने प्रतिशत वोट हो चुके हैं? सुरक्षा की बात करें तो बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो मतदान केंद्र है उन पर मोबाइल को पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत सुबह में देखा जाए तो अभी कम है और हल्के हल्के जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो मतदान और अपने चरम पर पहुंचेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई, जहाँ एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी हो चुके हैं। 8 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा।